मोदी भैया पूरी ताकत के साथ निशाना लगाई के बीच में से फाड़ दो। फाड़ दो? अरे गधे घोड़े हो, सुई लगा रहे हो कि मिसाइल डाल रहे हो? योगी जी तैयार? हाँ मोदी जी तैयार। भाई और बहनों बोलो भारत माता की जय। अरे मोदी भैया, अखिलेश खूब यूपी में सारी जनता के सामने उछल उछल कर भाषण देत रही। हमको लागत है मोदी भैया कि अखिलेश को कोरोना हुई गयोत है। इतने सारे लोगों से मिलत रही कि अखिलेश को कोरोना हुई गयोत है। मोदी भैया का देखत हो, सुई भर दो इसके पिछवाड़े में। नहीं मोदी चाचा, हमको तो सुई से बहुत डर लागत है। मोदी चाचा अभी तक कितनों को सुई लागत रही, ये धंधा कब से चालू कर दी? वैसे तो अखिलेश बेटा अभी तक हमने किसी को सुई नहीं लगाई, सोचत रही तेरे से ही ट्राई किया जाए। हमने जब से कोरोना घोषित किया है तब से लेकर अब तक आधा भारत डॉक्टर बन गया है। जो आदमी झंडा चलाता है वो लोगों के पिछवाड़े में सुई टोप रहा है। अखिलेश बेटा एक बार हमको भी ट्राई करने दो। मोदी चाचा सुई से ट्राई करो, ये तो हाथी का इंजेक्शन है। अखिलेश बेटा सुई सुई होती है, माँ माँ होती है, भाई भाई होता है, कोरोना कोरोना होता है। मैं अपने भाषण में कहता हूँ अपनी जनता से, छोटा या बड़ा सब एक समान है। अखिलेश बेटा ज्यादा किचिर पिचिर मत कर। अरे योगी भैया जरा कस के पकड़ो तो। हाँ मोदी भैया कस के पकड़ लियो है, ना एक इंच इधर सरक पाई ना एक इंच उधर सरक पाई। मोदी भैया पूरी ताकत के साथ निशाना लगाई के बीच में से फाड़ दो। फाड़ दो? अरे गधे घोड़े हो, सुई लगा रहे हो कि मिसाइल डाल रहे हो? योगी जी तैयार? हाँ मोदी जी तैयार। भाई और बहनों बोलो भारत माता की जय। अरे योगी जी, अखिलेश, राहुल, लालू जी, तुम सब लोग सुबह से अपना अपना लोटा और बर्तन उठाकर आ जाते हो दूध लेने के लिए। अरे कम से कम मुंह हाथ धोकर तो आया करो। मेरी बकरी एक ही लीटर दूध देती है और तुम सब लोग एक एक दो दो लीटर दूध में से मांगते हो। मेरे पास एक ही बकरी है, इतना सारा दूध मैं कहाँ से लाऊं? और तुमको ये लगता है कि मोदी जी कहीं दूध में पानी ना मिला दे, इसीलिए आंखों के सामने दूध निकलवाते हो। मैं लालू जी जैसा लालची आदमी नहीं हूँ, मैं खरा आदमी हूँ। अब तुम ही बताओ मैं किसको दूध दूँ और किसको नहीं दूँ? मोदी जी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो दूध लेने का हक तो मेरा ही बनता है। सुना है कि बकरी का दूध बहुत गुणकारी होता है, तो मोदी जी दूध तो मेरे को ही दे दो, सारा का सारा दूध मेरे को ही दे दो। अरे योगी जी दोस्त हुआ तो क्या हुआ, ये दोस्ती अपने घर पर ही दिखाना। यहाँ पर धंधा हो रहा है और धंधे में दोस्ती दुश्मनी नहीं देखी जाती। मोदी जी मैं तुमको ज्यादा दाम दूंगा, दूध मेरे को ही देना। अरे अखिलेश तुम क्या समझते हो कि पैसे तुम्हारे पास है? मैंने भी मजदूरी करके काफी पैसे कमाया हूँ, तुमसे ज्यादा दाम मैं दूंगा पर पूरा का पूरा दूध मैं ही ले जाऊंगा। मोदी जी अगर अखिलेश तुमको 50 रुपए देगा तो मैं 100 रुपए दूंगा, पर दूध मेरे को ही मिलना चाहिए। ओ लालू जी तुम्हारे पास तो इतनी सारी भैंसा है फिर भी तुम बकरी का दूध लेने आ गए हो, तुम्हारी ये बात मेरे को कुछ समझ में नहीं आई। देखो राहुल भैया मेरी सारी भैंसों का दूध मैं पूरे गाँव में बांट देता हूँ और मुझको भैंसों का दूध अब स्वाद नहीं लगता, इसीलिए मैं बकरी का दूध लेने आ गया हूँ। अरे लालू जी राहुल से झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे हमको सब पता है तुम अपनी भैंसों का दूध में इतना पानी मिलाते हो कि खुद को पता नहीं कि दूध में पानी मिला रहे हो कि पानी में दूध मिला रहे हो। अरे तुम 1 लीटर में 5-6 लीटर पानी मिलाते हो तो क्या दूध खाक स्वाद लगेगा? और मेरे पास आ गए हो पेवर दूध लेने के लिए? और अखिलेश और राहुल तुम क्या मुझको ज्यादा पैसे दोगे? मैं इतना लालची आदमी नहीं हूँ जितना तुम समझते हो।
चलो पर तुम सब लोग आ गए हो तो मैं सभी लोगों को एक एक पाव दूध दे देता हूँ। मैं खाली हाथ किसी को नहीं पहुँचाऊंगा। भाइयों वीडियो को लाइक को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ सबके साथ। अखिलेश से क्या बात हुई, तुम तो नाले में सो गए हो। अरे उठो यहाँ से, पानी जाने दो मेरे खेत में। मेरे खेत का पानी क्यों रोक कर सो गए हो? मोदी जी, मैंने नहर से पानी नाले में लाया हूँ। रात भर घूम घूम कर लोगों के पाल को फोड़ फोड़ कर मेरे तो हाथ पैर फूल गए हैं। और तुम बोल रहे हो कि मेरे खेत में पानी जाने दो। पहले मैं मेरा खेत सींचूंगा, इसके बाद में तुम्हारा खेत सींचना। अखिलेश बेफालतू में झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम तो रात में लंगड़ी का प्रोग्राम देखने गए थे, मैं भी वहीं पर था, मैंने तुमको देखा था। उठो यहाँ से, पहले मेरा खेत भिजूंगा। अरे अखिलेश राहुल भैया लड़ो मत। अखिलेश तुम एक काम करो, मैं तुमको गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ। अपने आप को तो देखो जरा भैया, कैसे ठंड के मारे कांप रहे हो। बस तुम्हारी बाजू से ही मेरे खेत में पानी जा रहा है, तुम यहाँ से उड़ जाओ तो पानी जरा तेज हो जाएगा, जब तक अपन चाय पी के आते हैं। अरे वाह योगी जी, एक कप चाय में मेरे को यहाँ से उठवाना चाहते हो? क्या मैं तुमको बुड़बक लगता हूँ? जाओ किसी और को बेवकूफ बनाना। अरे भैया हो झगड़ो मत, अपन लोग एक काम करते हैं, मिल बांट कर बराबर पानी सबके खेतों में ले जाते हैं, झगड़ने से क्या फायदा होगा। अरे मोदी जी, यहाँ अपन लोग बातों में लगे हैं, उधर लालू जी ने नाले की किनार फावड़े से फोड़ दिए और पानी अपने खेतों में पहुँचा दिया है। अरे तो राहुल, मेरा खेत तो नाले के साइड में ही है, तो मैं तो अपने खेत में पानी पहुँचाऊंगा ना, मेरे को कौन रोकेगा। मेरे खेत के पास से पानी जा रहा है और मैं देखता रहूं, मैं क्या तुमको बुद्धू राम लगता हूं? लालू जी ज्यादा गर्म मत हो, अपन अभी सभी लोग आग के सामने बैठेंगे, वहां पर गर्म हो लेना, ठंड बहुत तेज है। फटाफट से एक काम करते हैं कि बराबर पानी सबके खेतों में जाने दो। और भाइयों वीडियो को लाइक को चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ सबके साथ। अरे रोको रोको रोको, अरे ये बस रोको। अरे अखिलेश दांत क्या दिखा रहा है, बस को रुकवाओ, अपना हाथ दो, कहिए बस ना निकल जाए। अरे योगी जी, मेरे दोनों हाथों में बकरियां है, मैं कैसे हाथ दूं? अरे हाथ नहीं दे सकते तो क्या हुआ, अरे जोरों से चिल्लाओ। बड़ी मुश्किल से तो इस रोड पर एक ही बस चलती है, ये निकल जाएगी तो अपन कहाँ रहेंगे। अरे कंडक्टर राहुल, ये सामने कौन गधा हेमाली लिए खड़े हैं, जरा उतर कर देखो तो। अरे मोदी जी, ये तो अखिलेश और योगी जी है। अरे योगी जी, सर पर तो काफी वजन है, और ये क्या अखिलेश ने तो अपनी बकरियां भी ले आया। भाई अखिलेश, हम बस पर बकरियों को नहीं बिठाते, पेशाब कर देती हैं तो बुरी बदबू आती है, उनको घर पर ही छोड़ के आओ। अरे मोदी जी क्या बात करते हो, हमने तो घर को बेच दिया है और हम अब दूसरे गांव में रहने जा रहे हैं, पर ये बकरियां नहीं बिकी है तो इनको साथ में ले जाना ही पड़ेगा। अरे मोदी जी, अरे मोदी जी, जरा इनको कोई बताएगा कि बस पर हम भी बैठे है, हमको भी गांव जल्दी पहुंचना है। अरे लालू जी, इनको बताने से क्या मतलब, तुमको दिखता नहीं कि यहाँ पर धंधे की बात हो रही है? कान पका दी है पूरे रास्ते में, 50 बार तो बोल चुके हो कि हम भी बैठे हैं। आप क्या पूरी दुनिया को बताता फिरूं कि लालू जी भी बस पर बैठे हैं? अरे भैया राहुल, अखिलेश अगर बस को धोने का काम कर देगा तो बिठा लो उनको, इधर लालू जी भी बैठे हैं बस में, जैसे बहुत बड़े मंत्री बैठे हैं। मोदी जी, मैं तुम्हारी बस को निर्मा से धो दूंगा। चलो योगी जी बैठो, बड़ी मुश्किल से बस वाले को बेवकूफ बनाया हूँ। अरे तेरे को बस धोना पड़ेगा। अरे योगी जी, तुम क्या बात करते हो, मैं और बस को धोऊंगा? अरे मैं गांव आते ही उतर कर भाग जाऊंगा, फिर क्या ये लोग बस छोड़कर मेरे पीछे भागेंगे? इसको कहते हैं होशियारी। और भाइयों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भोलेनाथ सबके साथ। मोदी जी आज एक मजेदार कहानी सुनाओ, सुनकर मजा आ जाए और वक्त भी कट जाए, गर्मी का मौसम जल्दी कटता ही नहीं है। चलो ठीक है भाइयों, आप लोग कहते हैं तो मैं तुमको एक चतुर किसान की कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है, एक भीमपुर नाम का गांव था, उस गांव में एक बड़ा ही चतुर किसान रहता था, वह अपनी चतुराई से जाना जाता था। उस चतुर किसान के 4 लड़के लड़कियां थी, वे चारों शादी के योग्य हो चुके थे। चतुर किसान को उनकी शादी करनी थी तो वह किसान शादी का सामान इकट्ठे करने में लग गया। चतुर किसान शादी के लिए भोजन पकाने के लिए बर्तन लेने के लिए शहर के व्यापारी के पास गया और बोला, शेर जी मुझे अपने घर पर शादी करनी है तो भोजन पकाने के लिए बर्तनों की जरूरत है, तो आप मुझे बर्तन दे दीजिए। तो शेर जी ने कहा कि भाई मैं आपको जानता नहीं हूँ, तो आप अपनी जमानत के लिए कोई बड़े पटेल को ले आओ तो ही मैं आपको बर्तन दूंगा। आपका क्या भरोसा, आपने शादी होने के बाद बर्तन वापस नहीं दिए तो?
मोदी जी सामने वाला पैसा दे रहा है, सेठ जी को भरोसा नहीं है। अरे भरोसा विश्वास तो करना चाहिए, ये तो भैया सेठ जी की मर्जी। वह चतुर किसान अपने गांव से बड़े पटेल को बुला लाया और पटेल साहब की जमानत पर सेठ जी ने भोजन पकाने के बर्तन चतुर किसान को किराए पर दे दिए। चतुर किसान ने अपने घर की शादी की और बर्तन वापस करने के लिए सेठ जी के पास गया, पर चतुर किसान ने बड़े बड़े बर्तनों के साथ छोटे छोटे बर्तन भी रख दिए। मोदी जी बड़े बर्तनों की जगह पर छोटे छोटे बर्तन लिए, बात पल्ले नहीं पड़ी। भैया भोजन पकाने के लिए बड़े बड़े बर्तन ले गया था, उन्हीं बर्तनों में अपने घर के छोटे छोटे बर्तन मिलाकर सेठ जी को ज्यादा बर्तन दे दिए। और चतुर किसान ने कहा, सेठ जी ये बड़े बड़े बर्तनों के बच्चे हैं और ये तुम्हारे बर्तनों का किराया भी लो। तो सेठ जी ने मन ही मन सोचा, अजीब पागल आदमी है, बर्तनों का किराया भी दे रहा है और बर्तन भी ज्यादा दिए है, पर चलो ठीक है, अपना तो फायदा ही हुआ। मोदी जी सेठ जी को बर्तनों के बच्चे बहुत भारी पड़ेंगे। अरे भला बर्तन भी कोई बच्चा पैदा करता है क्या? हाँ मोदी जी, फिर क्या हुआ? फिर एक महीने बाद चतुर किसान के यहाँ दूसरी शादी हो रही थी, तो चतुर किसान सेठ जी के पास गया और बर्तन मांगे, तो इस बार सेठ जी ने बिना जमानतदार के बर्तन चतुर किसान को दे दिए। चतुर किसान ने शादी होने के बाद बर्तनों को उनके बच्चों सहित यानी कि छोटे छोटे बर्तन और मिलाकर सेठ जी को वापस दे दिया और साथ में किराया भी दे दिया। मोदी जी किसान तो चतुर था, पर बुद्धू जैसा काम कैसे कर रहा है? बर्तनों का किराया भी दे रहा है और साथ में अपने घर के बर्तन भी खाली कर रहा है। भैया इसके पीछे एक राज है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद चतुर किसान के यहाँ फिर से शादी होने जा रही थी। चतुर किसान ने हर बार की तरह बर्तन लेने के लिए सेठ जी के यहाँ पर गया और सेठ जी से कहा, इस बार मैं बड़ी धूमधाम से शादी करूँगा, तो मुझे लोहे के बर्तन नहीं चाहिए, मुझे इस बार तामा पीतल सोने चांदी के थाल चाहिए। सेठ जी ने तुरंत तामा पीतल सोने चांदी के बर्तन दे दिए, क्योंकि सेठ जी को ये यकीन था कि ये पगला आदमी बर्तनों के बच्चे भी देगा और साथ में किराया भी देगा। मोदी जी, ये किसान सोने चांदी के बर्तनों में भोजन खिलाएगा या खुद ही बर्तनों को बेचकर खा जाएगा? अब जो भी होगा भैया आगे मैं बता रहा हूँ। चतुर किसान ने अपने घर की शादी कर ली और खाली हाथ सेठ जी की दुकान पर पहुँचे। सेठ जी ने कहा कि भैया बर्तन कहाँ है? तो चतुर किसान ने मुंह बना के रोते हुए बोला, सेठ जी क्या करूं, हलवाई ने सब्जी में मिर्च बहुत ज्यादा मिला दी थी, तो तुम्हारे सारे बर्तनों ने जी भर के दबा के खूब सब्जी भाजी खाई, पर तुम्हारे बर्तनों से मिर्च हजम नहीं हुई, बेचारे पानी पानी चिल्लाते हुए मर गए। मोदी जी, किसान ने तो सेठ जी को चूना नहीं लगाया बल्कि चूने से ही नहरा धुला दिया। हाँ भाई आप ठीक पकड़े हैं। इधर सेठ जी किसान के ऊपर गुस्से से बोला, तुमने अगर मेरे बर्तन वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हें न्यायालय में पेश करके सजा दिलवाऊंगा। तो चतुर किसान ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी सेठ जी। फिर दूसरे दिन सेठ जी और चतुर किसान न्यायालय में हाजिर हुए। सेठ जी ने जज साहब से कहा, ये किसान का बच्चा मेरे सोने चांदी तामा पीतल के बर्तन नहीं दे रहा है। जज साहब ने किसान से कहा, क्यों सेठ जी के बर्तन क्यों नहीं दे रहे हो? तो चतुर किसान बोला, जज साहब मैं कैसे दूं? मैंने दो बार सेठ जी से बर्तन किराए से लिए थे, मैंने बर्तनों का किराया भी दिया और साथ में बर्तनों के बच्चे भी दिए, यानी कि बड़े बर्तनों के साथ छोटे छोटे बर्तन मिलाकर ज्यादा बर्तन दिए। आप सेठ जी से पूछो दिए या नहीं। हाँ जज साहब दिए थे, बर्तनों के बच्चे कहकर ज्यादा बर्तन दिए थे, पर इस बार तो एक भी बर्तन नहीं दिए, बच्चों की तो बात ही छोड़ो। तो चतुर किसान ने कहा कि जज साहब, जब सारे बर्तन मर गए तो मैं कैसे दूं? जब बड़े बर्तन ही नहीं रहे तो बच्चे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और जज साहब जो बर्तन बच्चा दे सकता है वो बर्तन मर भी सकता है, पर सेठ जी की मोटी खोपड़िया में ये बात घुस ही नहीं रही है। जज साहब ने सेठ जी से कहा, जब किसान ने तुम्हें बर्तनों के बच्चे दिए तो तुम्हें बड़ी खुशी हुई, जब बर्तन मर गए तो बेचारा किसान कहाँ से देगा? जाओ सेठ जी अपने बचे कुचे बर्तनों को संभालो। इस तरह चतुर किसान ने अपनी चतुराई से सेठ जी के सारे बर्तनों को अपना बना लिया और सेठ जी को लालच के कारण भारी नुकसान हुआ।
इसलिए भैया लालच नहीं करना चाहिए और कहानी खत्म। मोदी जी चतुर किसान ने तो भारी मौके पर चतुराई बताई, बड़ा ही लंबा चौड़ा हाथ मारा। वाह मोदी जी, तुम्हारी कहानी सुनकर मजा आ गया। और भाइयों, आपको कैसी लगी मोदी जी की कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ सबके साथ।